वेलकम वंस अगेन फ्रेंड, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। और भाई, बैकवर्ड काउंटिंग स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ानी है, इस चीज़ को लेकर बड़े सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम कैसे पढ़ाएं बच्चों को रिवर्स काउंटिंग स्पेशली। तो देखिए, मैं आपके साथ ना एक बहुत अच्छा सा TLM जो है वो आप खुद भी बना सकते हैं। मैंने अपने बेटे के लिए मार्केट से परचेज किया, अपने बेटे को इससे पढ़ाया, ऐसा ही मैंने अपने एक स्कूल में रखा हुआ है और अपने स्टूडेंट्स को भी इससे पढ़ाया। किस तरीके से पढ़ाया वो मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करना चाहूंगी। और इसे मैंने अमेजन से खरीदा है, उसका मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख लें। आपकी पॉकेट पर कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं पड़ेगा अगर आप इसे अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने खुद के बच्चे के लिए खरीदते हैं। बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये बच्चों को, स्पेशली बैकवर्ड काउंटिंग प्लस नंबर्स को लाइफ लॉन्ग उनकी नॉलेज में स्टेबल करने के लिए। तो बैकवर्ड काउंटिंग अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो उसके दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज कि बच्चों को टुकड़ों में पढ़ाएं, पहले बैकवर्ड काउंटिंग 1 to 5 याद कराएं, फिर उसके बाद 5 to 10 याद कराएं, फिर 10 to 20 याद करें। ठीक है, तो आप उन्हें टुकड़ों में पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, तभी वो सीख पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ाने से पहले आपके बच्चों के लिए जरूरी है कि जहां तक की भी बैकवर्ड काउंटिंग वो आप उन्हें पढ़ा रहे हो, वो उन नंबर्स को ठीक से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर आप बच्चों को मान लीजिए 20 to 10 जो है बैकवर्ड काउंटिंग करा रहे हैं, तो 20 to 10 तक नंबर्स जो है वो उसे बहुत अच्छे तरीके से आते हों। ये जो एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके साथ साथ आप कोई गेम भी प्लान कर सकते हैं। जमीन पर बॉक्स बनाकर उसमें नंबर्स मतलब लिख कर, उसके बाद वो खेलते थे ना हम लोग गिप्पस से बचपन में, लंगड़ी टांग से कूद कूद के जाते थे उस घर में। तो इस तरीका का गेम जो है मैंने अपने बच्चों के साथ खेला था स्कूल में, जहाँ पर बहुत हेल्पफुल था। बच्चों को उल्टा कूदना सिखाया था 20, 19, 18, तो बच्चों को इजीली खेल खेल में जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग जो है लर्न हो गई थी। अलग अलग ग्रुप्स बना दिए थे, उन अलग अलग ग्रुप्स को मैंने फ्रीली छोड़ दिया था कि आप खेलो नॉर्मल जैसे खेलते हो उसी तरीके से खेलो, बस नंबर्स लिख देते उसके अंदर मैंने, वो भी उल्टे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप क्लास में बच्चों को ग्राउंड में ले जा सकते हैं, आपके पास इतना बड़ा ग्राउंड है। अदरवाइज इस तरीके की एक्टिविटीज जो है आप स्टूडेंट्स को करा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चलिए बिना देरी करे मैं आपको एक्टिविटी की तरफ लेके चलती हूँ। अच्छा, हेलो निश्चय। हाँ बेटू, देखो आपका ये टॉय मैं सब लोगों को दिखा दूँ। ओके, देखो ये है वो नंबर ट्रे, इसमें 20 तक नंबर्स हैं लिखे हुए हैं। एंड देखिए ये सारे नंबर्स जो हैं वो अलग निकल जाते हैं, 19 है, 18 है, 17। निशु आप बताओ बेटा, मामा से नहीं हो पा रहा है। ओहो, बोल बोल के आप निकाल दो एक बार सबको। ओके, 15 14 ऐसे ऐसे नंबर्स, दिस इज कंप्लीट होते जाएंगे हमारे, ऐसे ऐसे सारे नंबर्स कंप्लीट होते जाएंगे। ओके बेटा, आप थोड़ा तेज बोलो जिससे सबको सुनाई आए कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, आप सो के उठे हो ना अभी, तो आपकी आवाज सबको ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा जान लगा के बोलो। ओके 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 ओके, अरे शाबाश। अब हमारा गेम होगा कि ना मम्मा बोलेगी आपको वो नंबर ढूंढ के फटाफट उसमें लगाना है। ठीक है, मम्मा जीते ही आप बेटा जीते, देखते हैं कौन जीते। 20, where is 20, 20, 20, 20, 20, then before 20, before 20, क्या आता है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, 20 से पहले मुझे नहीं समझ में आ रहा, before 20. क्या है? देखो, 1, 6, 9, क्या आता है? 19. But where is 19? Oh, I will come. And before 19 is मुझे नहीं मिल रहा है बेटू। Okay, but where is 18? है ही नहीं दिख रहा। ओए, ये रहा। मेरा थोड़ा ये साइड करके वहाँ पहुँच रहा। Okay, but before 18 क्या है? आपको तो सब पता है। And बोल के नहीं बता रहे हो किसी को। 7 to 7 to 25 और यहाँ 7। ओके, एंड बिफोर 7 20 से यहाँ तक बढ़ेगा। ओके, एक बार पढ़ के बता दो सबको, एक बार सबको पढ़ के बता दो बेटू, क्योंकि फिर लोग भूल ही चुके होंगे, अब तक सिखाया आपने सब भूल जाते हैं। 20, 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 20
11 6
And before 6? 5. And? Before 4? Okay, before 3? 2. And before 2? 1. तो आपने एक छोटा सा एग्जांपल देखा जो घर में ही मतलब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो उस तरीके से उसे मतलब उसके स्कूल में बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बट स्टिल उसे पता है कि 20 से 1 तक किस तरीके से लगाना है, फॉरवर्ड लगा देता है, मिसिंग नंबर इसी से सिखा सकते हैं। बहुत ही छोटा सा गेम है, अगर बच्चे के साथ आप इन्वॉल्व होकर खेलेंगे तो बहुत कुछ जो है इससे आप बच्चे को सिखा सकते हैं, एडिशन सिखा सकते हैं, सब्सट्रैक्शन सिखा सकते हैं, मिसिंग नंबर सिखा सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है इतनी सारी चीज़ें जो है सिखा सकते हैं, और भी कुछ जो आपके दिमाग में आए। अभी तक मैंने अपने बच्चों को इससे यही यही चीज़ें सिखाई है जो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करती हूँ अगर आपको पसंद आए होगी परचेज कर लेना, आपकी मर्जी है, मार्केट में भी अवेलेबल है, विशाल मेगावाट वगैरह भी मैंने ऐसे ही ये गेम्स जो है वो देखे हैं बच्चों के लिए, तो आप इन्हें ज़रूर परचेज करें। बच्चों को इन क्रिएटिव चीज़ से, कलरफुल चीज़ों से पढ़ाने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आपका बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से ही सीखेगा। वीडियो पसंद आई, आपके काम की लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।